हेलो स्टूडेंट्स, माय सस्नेह दिविधि। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 9। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी। ध्यान से देखते रहिए स्टूडेंट, बस डायग्राम टफ है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, ध्यान से सोचिएगा। देखिए क्या बोले, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट। दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पे, बी पे और सी पे। ये देखिए, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ठीक है। ये वाला एक सर्कल है यहाँ से और ये सर्कल यहाँ से, ही दोनों क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और किस पॉइंट पे, बी एंड सी पॉइंट पे। थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी, बी से एक लाइन सेगमेंट ए बी डी और एंड पी बी क्यू, पी बी क्यू ये दो लाइन सेगमेंट है आर ड्रॉन। दो लाइन सेगमेंट बने हुए हैं, अब बोले इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे को, ठीक है। ये वाली लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट देखिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बहुत इजी। हमें क्वेश्चन प्रूफ क्या करना है ये देखेंगे। एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी, ठीक है। एंगल ए सी पी मतलब ये एंगल, ओके। एंड एंगल क्यू सी डी, क्यू सी डी मीन्स ये एंगल, ये दोनों एंगल हमें इक्वल प्रूफ करना है, बहुत ईजी है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन, क्या गिवन है हमें, गिवन गिवन है ई टू ट्राइंगल्स, टू ट्राइंगल्स इंटरसेक्टिंग एट ए एंड एट बी एंड सी। और कुछ ज़्यादा इसमें डिफाइन नहीं किया है तो हम कुछ नहीं करेंगे, ओके। एंड टू दो लाइन सेगमेंट ये हैं और एक ये है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइन सेगमेंट। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी, एंगल क्यू सी डी ये दोनों एक दूसरे की इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। सो अब हम और टू अब हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ दिस देखिए स्टूडेंट, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है आपको। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये एंगल, ठीक है, एंगल पी क्यू ए पी बी ए और ये एंगल देखिए, इस सर्कल पे ये देखिए, ये सर्कल है, इस सर्कल पे ये एंगल बन रहा है ऐसे, ओके, ऐसे बन रहा है, ध्यान से देखिए। तो ये एंगल सेम सेगमेंट पे है, सेम सेगमेंट पे है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम क्या कर देंगे, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मीन्स हम लिख देंगे एंगल पी बी क्यू पी बी ए इज इक्वल टू एंगल पी बी ए इज इक्वल टू एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी क्यों होगा स्टूडेंट, क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। जो एंगल सेम सेगमेंट पे होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, सेम सेम। हम इस सर्कल में आएंगे तो इस सर्कल में भी ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, मींस एंगल डी बी क्यू, एंगल डी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी सी क्यू, क्यू जस्ट बिकॉज के एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ओके। देन अब देखिए स्टूडेंट, क्यों ये एंगल इसके इक्वल है और ये, अब आपको दिख रहा है ये जब इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्वेश्चन में गिवन है, ए बी सी ए बी डी एंड पी क्यू बी आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। और आपको पता है जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो हमारा एक एंगल बनता है, क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वो क्या होता है स्टूडेंट, इक्वल होता है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम ये बोल सकते हैं एंगल ये और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन सेगमेंट दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारा एक एंगल दो एंगल इक्वल होते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट के इधर, ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी बी ए, एंगल पी बी ए इज इक्वल्स टू एंगल पी बी ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी बी क्यू, एंगल डी बी क्यू के इक्वल होगा, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल,
ओके, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आप देखिए सुन रहे, क्योंकि ये इसकी इक्वल है, ये एंगल इसकी इक्वल है, हमें क्या चाहिए, ये दोनों इक्वल चाहिए, तो हम इसकी जगह एंगल पी बी ए की जगह ए सी बी लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल पी बी ए की जगह क्या लिख दिया, ए सी बी लिख दिया, और ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, मीन्स डी बी क्यू किसकी इक्वल है, डी सी क्यू, तो मैं डी बी क्यू की जगह क्या लिख सकती हूँ, डी सी क्यू, और हमें ये निकालना था। ठीक है, डी सी क्यू या क्यू सी डी एक ही बात होती है। ठीक है, तो डी सी बी और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, हम इसको नाम देते हैं 1, 2 and 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3। किससे आया ये, इक्वेशन 1, 2 and 3 से आया। आई होप स्टूडेंट इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, एंड अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, एंड अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करिए, सो डैट उनके भी क्वेश्चन समझ में आए। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए, जस्ट बिकॉज के आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक जाना मे बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।